अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के पहले राम भक्तों के रुकने के लिए तमाम व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में अयोध्या में जहां होटल और होम स्टे की सुविधा मिलेगी, तो वहीं अयोध्या आने वाले लोगों के लिए टेंट सिटी भी उपलब्ध है। टेंट सिटी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसे अयोध्या विकास प्राधिकरण के साथ प्रवेग संस्था द्वारा निर्मित किया गया है। टेंट सिटी में शुरुआती तौर पर 30 अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस टेंट सिटी तैयार हो चुकी है, जिसमें ऐसी पश्चात सभ्यता के शौचालय के साथ साथ 5-स्टार होटल जैसी सुविधा भी मिलेगी। इतना ही नहीं, टेंट सिटी में वर्ल्ड क्लास के रेस्टोरेंट में शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन भी परोसा जाएगा। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को टेंट सिटी एक अलग सा अनुभव देगी। इसके साथ ही टेंट सिटी में भगवान राम के प्रतीक भरत जी के समर्पण का प्रतीक चरण पादुका भी राम भक्तों के लिए श्रद्धा निवेदित करती नजर आएगी। टेंट सिटी इस समय बनकर तैयार है और वहाँ पर गेस्ट का बुकिंग और ठहरना ये सब कुछ वो लोग जल्दी शुरू कर देंगे। वहाँ पे कुल 30 टेंट की सिटी बनी है और उसमें 60 लोगों के रुकने का एकोमोडेशन है। उसमें एक वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट बनाया गया है और उसमें सारे जो वेजिटेरियन खाना जो यहाँ के हिसाब से होगा वो सब सर्व किया जाएगा। और सिटी में टेंट सिटी का प्रयास इसलिए था कि हम लोग चाहते थे कि जल्दी से हम कोई स्थान इस तरह का बना सकें, बिकॉज नया होटल बनने में जो जेस्टेशन पीरियड है वो ज़्यादा है और आज के दिन में प्रवेग द्वारा वो निर्मित किया गया है, प्रवेग संस्था है, और आज के दिन में टेंट सिटी बनकर तैयार है जिसकी बुकिंग भी इस समय लगातार चालू है। बुकिंग की रेट मुझे जानकारी नहीं है कितना है, लेकिन रेट वगैरह सब कुछ जो एंटरप्रेन्योर है वो खुद डिसाइड करते होते हैं हम लोगों की सहमति से। और बुकिंग की प्रक्रिया के लिए एक तो वो सीधा जो ऑफलाइन बुकिंग है वो वॉक इन करके वहाँ पे बुक कर सकता है। उसके अतिरिक्त तो होली अयोध्या ऐप जो अयोध्या विकास प्राधिकरण और शॉपक्लूज के द्वारा बनाया गया है उसके माध्यम से भी लोग टेंट सिटी को बुक कर सकते हैं। उस समय टेंट सिटी जो है वो होली अयोध्या ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। चरण पादुका एक सिंबल है, जिस तरीके से प्रभु राम के एब्सेंस में भरत जी ने उनके चरण पादुका रखकर शासन किया था, तो एक श्रद्धा का जो सिंबल है उसको उसके रूप में दिखाने के लिए वहाँ पर एक चरण पादुका रखी गई है।